Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 3, forces and motion, projectile motion and the related numerical of the projectile motion. Okay, now this is the very simple topic which we are going to discuss today. Now students, we can simply define the projectile motion as the two-dimensional motion of the body under the action of gravity is called projectile motion. Now students, here we have very simple representation of the projectile motion. Students, जब भी हम किसी object को throw करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो object टू dimensions में motion perform कर रहा होता है. टू डायमेंशन में मोशन परफॉर्म करने का मतलब बड़ा सिंपल है कि यानी अगर हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं तो कार हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही होती है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक लीनियर पाथ पे मूव करता हुआ देखें तो वो एक स्ट्रेट पाथ यानी एक लीनियर पाथ पे मोशन, वन डायमेंशन मोशन की रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, अब एग्जांपल, जैसे कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इस बॉल को थ्रो कर रहा है. ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के टू कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं. ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट की बेस पर हम ये कहते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट टू डायमेंशंस में मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस एक डायमेंशन और वाई एक्सिस दूसरी डायमेंशन. ठीक है, तो इन टू एक्सिस पे इस ऑब्जेक्ट के दोनों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का. ठीक है, जिसको हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं अभी कि टू डायमेंशनल मोशन, और ये मोशन हमारे इस ऑब्जेक्ट की अंडर ग्रेविटी परफॉर्म हो रही होती है, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर देते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहे होते, ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा होता है, यानी इस पर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम यहाँ हाईलाइट करने जा रहे हैं. द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री. इस मोशन के दौरान, यानी टू डायमेंशनल मोशन के दौरान, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा पाथ ले रहा होता है, इस पाथ को कवर कर रहा होता है, तो इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री का नाम दे रहे होते हैं. ठीक है, जो कि इसके पाथ की रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ से ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी मूव कर रही होती है. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने जस्ट प्रोजेक्टाइल को डिफाइन किया. अब हम ज़रा प्रोजेक्टाइल की कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं. तो प्रोजेक्टाइल की कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कुछ इस तरह हैं. अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, लाइक के अगर एक प्लेयर है वो फुटबॉल को किक करता है तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये एक ट्रेजेक्ट्री कवर करती है. ठीक है, और ये एक टू डायमेंशनल मोशन है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज़ अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर. अच्छा, बॉल जो क्रिकेटर बॉल थ्रो करता है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है. इसी तरीके से अगर एक बास्केटबॉल को आप बास्केट करते हैं तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है. ठीक है, नाउ अ स्टोन इज थ्रोन डाउन द हिल. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल सिमिलर. एंड अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन. एंड फिफ्थ वन इज़ अ मिसाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड. ओके, नाउ ये दो एग्जांपल्स आप यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, ये एग्जांपल प्रोजेक्टाइल की रिप्रेजेंटेशन सिमिलर, आपके पास ये एक एग्जांपल है जिसको आप प्रोजेक्टाइल की रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हमारे पास प्रोजेक्टाइल की हमें बहुत सारी एग्जांपल्स नज़र आ रही होती हैं जिनको हम अगर फोकस करें तो हम उनको अच्छी तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, उनको समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये वाकई में टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म हो रही है. ठीक है, नाउ तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम कवर कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम अपनी आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं. ठीक है, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम यहाँ दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास कुछ पैरामीटर्स को कवर करती है. लाइक ये नेगलेक्ट करती है हमारी एयर रेजिस्टेंस को, यानी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा तो इस दौरान
एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। इस दौरान इस ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो ये एक आइडियल मोशन होगी, ठीक है। नाउ और जो विंड की स्पीड है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल है। सिमिलरली स्पिन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड अदर इफेक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग द फ्लाइट ऑफ रियल लाइफ प्रोजेक्टाइल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ यू कैन फाइंड द अदर एग्जाम्पल्स इन योर डेली लाइफ एज वेल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेलोसिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें कुछ ये रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, यानी अपने किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं, तो वो एक इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे हम उसको एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, ठीक है। सपोज़ कि ये वेलोसिटी वी है, अगर ये वी वेलोसिटी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हमें इस वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। सपोज़ कि हमारी ये मोशन अगर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी मेरा ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस और दूसरा वर्टिकल इसके साथ वाई एक्सिस है, तो हमें इस वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, यानी वी एक्स और वी वाई। इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से हमारे इस ऑब्जेक्ट की मोशन टू डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट होगी, और जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, इसकी वेलोसिटी लॉन्च करने के बाद डिक्रीज होती जाती है, और जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, यानी ज़ीरो, और उसके बाद जैसे जैसे ये नीचे मूव कर रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, जब अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी फिर दोबारा मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ देता हूँ कि जैसे मेरे हाथ में एक बॉल है, टेबल टेनिस बॉल, ठीक है, या कोई एक बॉल है, मैं इसको वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करता हूँ, ठीक है। तो ये बॉल वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी, तो जिस वेलोसिटी से मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो जैसे जैसे ये बॉल जो कि अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचेगी तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मिनिमम हो जाएगी, ज़ीरो होगी, और फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू होगा, यानी ये बॉल नीचे आना शुरू होगी और ये दोबारा वेलोसिटी गेन करेगी, और जब मैं इसको दोबारा कैच करूँगा, यानी वापस मेरे हाथ में आएगी, मैं इसको कैच करूँगा, तो इसकी वेलोसिटी वही होगी जिस वेलोसिटी से मैंने इसको अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, ठीक है। तो क्योंकि हाइट सेम है तो इसने सेम वेलोसिटी गेन की। तो असल मकसद बताने का यह है कि जिस पॉइंट पे मैंने इसको लॉन्च किया, यानी ऊपर की तरफ थ्रो किया, उस वक्त इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुई, और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के, यानी अपनी हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, जो कि मिनिमम है, और वापस आते वक्त इसने दोबारा वेलोसिटी गेन की, और मेरे हाथ में पहुंचने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो कि रिप्रेजेंट हो रही है वो मैक्सिमम हुई। तो इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान भी होता है, जिस पॉइंट से हम इसको लॉन्च करते हैं उस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होती है, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी मिनिमम हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये वापस नीचे की तरफ मूव करता है तो ये दोबारा वेलोसिटी गेन करना शुरू करता है, और जिस पॉइंट पे जाके ये हिट करता है उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी फिर दोबारा मैक्सिमम होती है। तो हम इसको अगर सिंपली रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंटेशन बनती है कि जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल मोशन को लॉन्च किया जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो वी एक्स और वी वाई दो वेलोसिटी के पैरामीटर्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। जिस एक्सिस के अलोंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म हो रही होती है, वेलोसिटी का कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा
कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमें जीरो मिलता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी यानी वी एक्स कॉन्स्टेंट है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन यानी ए एक्स हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारा ए वाई एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है, वो एक्सेलरेशन यानी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हमारा अंडर ग्रेविटी होगा और वो हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ तो अभी हम इसको ड्राइव करते हैं और इस डेरिवेशन के अंदर इसकी मजीद रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के वेलोसिटी के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ द मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके सब स्क्रिप्ट में मैंने एक्स एक्सिस के लिए एक्स को रिप्रेजेंट किया है, यानी वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो पैरामीटर्स हैं, जरा इनको देख लीजिए। जैसे कि हमने कहा कि एक्स एक्सिस की अलोंग मोशन है, तो एक्स एक्सिस की अलोंग मोशन के दौरान इसका एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट होगा, जिसको मैं वी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर वेलोसिटीज की वी एक्स रहेगी, ओके। नाउ इसी तरीके से जब जिस पॉइंट पे आप इसको लॉन्च करोगे, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि वी आई एक्स, ठीक है, वो हमारे पास कुछ यूं होगा, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, यानी जिस पॉइंट से आप इसको लॉन्च कर रहे हो ना, तो उस पॉइंट पे आप अपने सिंपल कॉस थीटा को यूज करते हुए वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो वो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट, ठीक है, इनिशियल की हम बात करें तो इनिशियल हमें क्या मिलेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, ओके। नाउ इसके अलावा हमारा जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो होगा, ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करने जा रहे हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी गेट वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा प्लस 0 इंटू टी। अब ये जो 0 टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पैरामीटर इसका ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी या एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी अपने ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी होगी, तो सिंपल ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोशन अलोंग वाई एक्सिस। नाउ हेयर वी हैव सिंपल रिलेशन, अगेन वी हैव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्योंकि स्टूडेंट्स अब हम वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो इसके सब स्क्रिप्ट में मैंने अब वाई को यूज किया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब जो इसकी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जरा हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जो फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ वाई है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो वेलोसिटी होगी लाइक वी वाई। सो वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा यानी ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ओके। ये एक्सप्लेनेशन अभी मैंने दी है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी है, तो माइनस जी होगा, क्योंकि हम वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, इसीलिए माइनस जी। सो इस इक्वेशन के अंदर ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने रिप्रेजेंट किए, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा प्लस ब्रैकेट माइनस जी इंटू टी, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ यूँ रिप्रेजेंट हो जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। आप अपने वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन परफॉर्म हो रही है, वेलोसिटी के पैरामीटर को इस इक्वेशन से फाइंड कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वेलोसिटी के, तो इसके लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यूज हम यहाँ वी एक्स और वी वाई की फाइंड कर चुके हैं, इनको हम यहाँ पुट कर लेते हैं अगर इक्वेशन में, तो इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी
का होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर द डायरेक्शन वी हैव सिंपल फॉर्मूला विच इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स. अगेन वी एफ और वी वाई की वैल्यूज पुट कर लीजिए तो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर बड़े सिंपल तीन पैरामीटर हमें नज़र आ रहे होते हैं जो कि बिल्कुल ही क्लियर होते हैं. एक तो ये कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो एक मैक्सिमम हाइट यानी एक हाइट गेन करता है और उसके बाद वापस अपनी लॉन्चिंग पॉइंट से लॉन्च होने के बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशन जहां उसको जाके हिट करना है वहां पर पहुंचता है. ठीक है. तो एक तो बात ये कि वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है. हम इसी मैक्सिमम हाइट के लिए अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन करने जा रहे हैं. ठीक है. नाउ अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें तो यानी मैक्सिमम हाइट को, तो इट इज दी वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द प्रोजेक्शन लेवल. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, सिंपली वी नो दैट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. देखिए, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि हमारे y एक्सेस के अलोंग होगा, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि y एक्सेस पर अपनी मैक्सिमम हाइट यानी अपनी हाइट को कवर कर रहा है, तो इस हाइट को जो कि y एक्सेस के अलोंग है हम फाइंड करने जा रहे हैं. तो अब इस इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन के अंदर जो भी पैरामीटर हैं उनको हम y एक्सेस के अलोंग रीड करेंगे. इसीलिए यहाँ पर हमने इन सारे पैरामीटर्स यानी a, s, vf, vi इन सब के साथ सब स्क्रिप्ट में y की रिप्रेजेंटेशन दी है. तो अब इक्वेशन कुछ यूँ रिप्रेजेंट हो रही है, 2ay sin y इज इक्वल टू vf y स्क्वायर माइनस वी आई वाई स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. स्टूडेंट्स, अब इन पैरामीटर्स को जरा रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए जरा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब ये हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट गेन करेगा तो इस पॉइंट पर जहां पर मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है, इस पॉइंट पर अगर आप वाई एक्सिस को देख रहे हैं तो वाई एक्सिस यहां पर मैक्सिमम हो चुका, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल मैक्सिमम हो चुका. अब ये इससे मजीद आगे नहीं जाएगा, तो यहां पर इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी वी वाई वी एफ वाई यानी फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस जहाँ मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है, यहाँ पर ये वेलोसिटी जीरो होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस पर इस पॉइंट पर जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है वहाँ जीरो होगी. तो इसीलिए हम इसको जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. अब इसके बाद वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा. अब ड्यूरिंग मोशन इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि हम वी आई वाई से फाइंड कर सकते हैं. तो वी आई वाई इज इक्वल टू यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे देख लीजिए आप, तो वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा. इसके साथ ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इसीलिए माइनस जी. एंड एस वाई इज इक्वल टू एच, ये जो वर्टिकल हाइट कवर कर रहा है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, इसको हम एच यानी हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सारी वैल्यूज जो यहाँ हमारे पास हाईलाइट हो रही हैं, इनको उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं. ठीक है. तो इक्वेशन नंबर वन कुछ यूँ आ जाएगी, टू माइनस जी कैपिटल एच इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस वी नॉट साइन थीटा स्क्वायर. ठीक है. अब ये जीरो यहाँ ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी. अगर हम अपने एच को फाइंड करना चाहें तो ये 2g हमारा राइट साइड पर मूव करेगा, तो ये इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगी एच की फॉर्म में, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. अब ये साइन थीटा स्क्वायर है तो मैं ये स्क्वायर साइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो फाइनली एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज द अलोंग y एक्सिस. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम ऑफ द फ्लाइट
of an object which is performing the projectile motion. Now we can simply define it as the time taken by the projectile to go from point of projection to the point of impact is called the time of flight. Now students, बड़ी simple representation है time of flight की. जब हम अपने किसी भी object को projectile motion perform करवाते हैं तो जिस point से हम launch करते हैं और जिस point पे जाके ये hit करता है तो इस दौरान ये जो trajectory यानी ये path cover कर रहा होता है उस दौरान ये object कितना time लेता है पॉइंट से जहाँ से हम इसको लॉन्च करते हैं और उस पॉइंट तक पहुँचने में जहाँ जाके इसको हिट करना होता है. ठीक है, तो यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका एयर में रहने का ये वाला टाइम है. ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट द सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मोशन जो कि हम अपने प्रोजेक्टाइल की देख रहे हैं अगेन ये हमारे y एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रही है, यानी जब ऑब्जेक्ट ये लॉन्च होता है तो ये y एक्सिस पर मूव करता है, यानी ये इंक्रीज हो रही होती है वैल्यू y एक्सिस की और जब वापस आ रहा होता है तो y एक्सिस डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक है, तो ये मोशन अलोंग x एक्सिस हम देखने जा रहे हैं, यानी जिस दौरान ये इस ट्रेजेक्ट्री को कवर करेगा तो ये जो टाइम लेगा उस टाइम की रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए हम इसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट की बेसिस पर बात करने जा रहे हैं और अपने टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इस इक्वेशन में मौजूद टी को फाइंड करने जा रहे हैं. तो क्योंकि हम अपने सारे पैरामीटर्स को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो भी वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर टू. नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हाईलाइट कर लेते हैं. हम इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरीके से वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा. इसी तरीके से ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी और एस वाई इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, ये जो एस वाई जीरो है यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, आप ये देखिए जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा तो इसका वाई कंपोनेंट यानी डिस्प्लेसमेंट कुछ ये गेन करेगा और जब वापस नीचे की तरफ आएगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट गेन किया होगा उतना ही ये लूज कर देगा. ठीक है, तो जो वैल्यू वाई एक्सिस पर ये मैक्सिमम हाइट पर कवर करेगा उतनी वैल्यू ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो जिस पॉइंट से लॉन्च किया था वाई एक्सिस पर देखिए उसी पॉइंट पर ये जब अपना इसका जहाँ पर जाकर इसको हिट करना है ये उस पॉइंट पर मौजूद होगा तो इस पॉइंट पर यानी फाइनल पॉइंट पर इसके वाई एक्सिस की पोजीशन जो इसने गेन की है वही ये लॉस कर देगा. तो इसीलिए वर्टिकल एक्सिस पर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जितना गेन कर रहा है उतना ही लॉस कर रहा है. तो इसीलिए एस वाई इज इक्वल टू जीरो. अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन नंबर टू हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी वैल्यूज पुट करने पर, जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में आप देखिए इस इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए, जो माइनस है यहाँ पर अरेंज हो जाएगा अगर, तो जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर लीजिए तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी. तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी और अब यहाँ पे ये एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो जाएगा और हम अपने जी को जो यहाँ टी से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड होगा और टू यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन कुछ यूँ आएगी, टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is performing the projectile motion. Now students, we are going to discuss the range of the projectile. Okay, we can simply define it as the horizontal distance from point of projection to the point of impact is called range of the projectile. Okay, now students, badi simple representation hai range of the projectile ki jo hum yahan discuss karne ja rahe hain. Dekhiye jis point se hum isko launch karte hain, theek hai, jahan is waqt mera pointer maujood hai aur jis point pe jaake hamara ye object projectile motion ke dauran projectile motion ke baad hit karta hai. Theek hai, to starting point aur end point, in dono points ke darmiyan ye jo horizontal path hai, theek hai, is
पाथ को, इस डिस्टेंस को हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं. ठीक है, तो अब हम इसके लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं. तो अगेन वी हैव द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मोशन हमारे प्रोजेक्टाइल की एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्टेंस जिसको हम देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो इसीलिए इस इक्वेशन में हम अपने तमाम पैरामीटर्स को एक्स एक्सिस के अलोंग देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो हेयर वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पैरामीटर्स एज टी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी विच इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. स्टूडेंट्स ये देखिए, जिस पॉइंट से आप इसको लॉन्च करेंगे और जिस पॉइंट पे जाकर ये हिट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के दौरान ये ऑब्जेक्ट जो टाइम लेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के दरमियान ये जो टाइम लेगा, वो बेसिकली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यूज़ करने जा रहे हैं. तो टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. इसके साथ साथ वी आई एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा एंड ए एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इन तमाम पैरामीटर्स को अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज कुछ यूँ रिप्रेजेंट हो रही हैं. आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर. ओके, नाउ इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है ये. अब क्योंकि ये पूरी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी. तो आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. नाउ स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है, इसमें देखिए वी नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा. और इस इक्वेशन को हम मजीद अरेंज करके लिख लेते हैं. तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी. ये टू मैंने यहाँ पहले लिख लिया और साइन थीटा को पहले लिख लिया एंड कॉस थीटा को मैंने इस तरह अरेंज कर दिया. तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, अब ये हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, जो कि इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, यानी टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन टू थीटा के. तो ये मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है हमारा. ठीक है, तो हमारा फाइनल जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला बनता है वो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स जब अपने प्रोजेक्टाइल की रेंज को ड्राइव करते हैं, तो इसके बाद हमें बड़ी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस मिलती हैं, यानी कि कुछ एंगल्स पर हमें प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज मिल रही होती है. ठीक है, जैसे कि यहाँ इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो आपके पास ग्रीन ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री पे लॉन्च होने वाले प्रोजेक्टाइल की रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, इसी तरीके से ये जो 30 डिग्री जो ब्लू से हाईलाइट हो रहा है, ब्लू ट्रेजेक्ट्री है, ये 30 डिग्री पे लॉन्च होने वाले प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है. अब ये देखिए 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, इन दोनों के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स सेम है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ रही होगी इस फॉर्मूले में. आर की वैल्यू इन दोनों के लिए, यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री पर सेम आएगी. ठीक है, अच्छा अब ये किस तरह है, जरा हम इसको भी यहाँ देख लेते हैं. सपोज के हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वी नॉट और जो ग्रेविटी है वो जी है. ठीक है, तो यानी वी नॉट और जी, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए. अब ये देखिए कि हमारे पास साइन टू थीटा है. जब आप 60 डिग्री के लिए करेंगे, तो साइन टू थीटा का मतलब 2 मल्टीप्लाई 60, जो कि 120 होगा. तो साइन की 120 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो 30 है, इसके लिए कीजिए साइन 2 मल्टीप्लाई 30. ठीक है, ये जो 2 है ये थीटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी 30 से, तो ये 60 हो जाएगा. तो साइन 60, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए. तो साइन 60 की वैल्यू इक्वल होगी साइन 120 की वैल्यू के, यानी जो आप 60 डिग्री पे फाइंड कर रहे हैं. इस वजह से ये जो साइन 2 इंटू 60 पर जो वैल्यू आ रही है, ये इक्वल है साइन 2 इंटू
30 पे जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के। इस वजह से ये दोनों रेंजेस यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री पर सेम है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि आप 180 डिग्री सॉरी आप 80 डिग्री और दूसरा आप 10 डिग्री पे फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 80 डिग्री और ये जो 10 डिग्री है इस पे ये हॉरिजॉन्टल रेंज यानी इन दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, ठीक है, ये सेम है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है जिसको हम रेंज का नाम देते हैं ये सेम होगा। तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपके पास ये जो रेंज होगी ये 10 डिग्री और 80 डिग्री पर सेम आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो 45 डिग्री है, जब हम अपने 45 डिग्री की बात करते हैं तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, ठीक है। इन सारी ट्रेजेक्ट्रीज में आपको ये जो रेड वाली ट्रेजेक्ट्री है जो कि 45 डिग्री पर है ये सबसे बड़ी ट्रेजेक्ट्री यानी कि बड़ी से मुराद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका ज़्यादा है यानी जिस पॉइंट से आप लॉन्च कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, यानी इसका एंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है यानी कि दूर है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेंज रखता होगा। सो वी हैव मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब आप साइन 2 इंटू 45 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव न्यूमेरिकल फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ हियर वी हैव एन एग्जाम्पल। इन अ वेडिंग अ बुलेट इज फायर्ड इन एयर at a speed of 500 meter per second, making an angle of 60 degree with horizontal from AK-47 rifle. Okay, now we are going to find here in a part we have how high will the bullet rise, in B part what time would it take to reach the ground, and in C part how far would it go? Ignore air resistance. Now students, here we have the data of this numerical. V naught is equal to 500 meter per second, theta is equal to 60 degree. A part में हमको h find करना है, ठीक है, इसकी height find करनी है, B part में इसका time of flight यानी t find करना है, और C part में इसकी range find करनी है. Now पहले हम अपने A part को solve करते हैं. तो A part के लिए हमारे पास बड़ा simple सा height का formula जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपने डेटा की जो वैल्यूज हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 9566 मीटर्स। ओके, नाउ इसका बी पार्ट सॉल्व करने जाते हैं। तो बी पार्ट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमें चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अपनी इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारा ये जो डेटा है इससे वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो आपके पास जो टाइम की वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद वो आएगी t इज इक्वल टू 88.36 सेकेंड्स। ओके, नाउ इसके बाद c पार्ट जब आप फाइंड करेंगे तो रेंज का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं आप। रेंज इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अपने डेटा से वैल्यूज को पुट कर लीजिए इक्वेशन 3 के अंदर, तो आपके पास रेंज की वैल्यू इन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 22092 मीटर्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, हेयर यहाँ हमारे पास एक स्टोन जिसका मास गिवन है 32 ग्राम, ठीक है, विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है 30 डिग्री से, तो इसके डेटा को हम फॉर्म कर लेते हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ। 30 डिग्री और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इस स्टोन की 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ये जो मास हमें गिवन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हमें ए बी सी पार्ट में हाइट रेंज और टाइम फाइंड करना है। ओके, तो सिमिलर वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द हाइट विच इज इक्वल
h is equal to v naught square sine square theta divided by 2g. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. अपनी इक्वेशन नंबर वन में वैल्यूज पुट कर लीजिए और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी 31.88 मीटर्स. ओके, नाउ अब इसका जरा बी पार्ट सॉल्व कीजिए. वी हैव रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज इक्वल वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा. ठीक है, इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट कीजिए इक्वेशन नंबर टू में तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी सॉल्व करने के बाद. रेंज की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 220.92 मीटर्स. ओके, नाउ सिमिलरली वी हैव द थर्ड पार्ट जिसमें हमें टाइम फाइंड करना है. तो t is equal to, इसका फॉर्मूला t is equal to 2v naught sin theta upon g. This is equation 3. अब अपनी equation 3 में values put कीजिए तो solve करने के बाद हमें time मिलेगा 5.1 seconds. Okay? Students, ये numerical आप solve कीजिए और इससे similar examples जो आपकी book के अंदर मौजूद हैं उनको simplify कीजिए. Thank you so much, students. Have a good day.